नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अभी मॉर्निंग वॉक करने सुबह मॉर्निंग निकला हुआ था, अब आधारताल तिराहे में हूँ। और मैंने आज एक आम जनता जो रोड पे सब्जी फल के जो स्टॉल लगाती है, मैं उनसे जानना चाहा कि आखिर उनके साथ कैसे वो ज़िंदगी जी रहे हैं, कैसे अपनी लाइफ को बिता रहे हैं। उनसे मैं लाइव आज बात करके आपको दिखाना चाहूँगा। मातारम, आप लोग क्या बोलते, ये जो काम करते हो है ना, तो ये कितना कमा लेते हो पूरे दिन भर में? अबे कमावे के लाइक है, ऐसा है कबू 200 बच जाए, कबू 300 बच जाए, कबू 250, कबू घटा ही जाए। अच्छा, तो ये जो सब सामान आप लेके आते हो है ना, ये कहाँ से लेके आते हो? मंडी से लेके आते हैं। तो कब जाते हो आप यहाँ मंडी? हाँ, मंडी क्या बजे जाते हो? सुबह 5 बजे जाते हो? हाँ, 5 बजे जाते हैं। तो 9 बजे रात घर जाते हैं। 9 बजे रात घर जाते हैं, सुबह 5 बजे आप चले जाते हो है ना मंडी? मंडी, फिर वहाँ से यहाँ आ जाते हो? इतने आ जाते, आधारताल में आ जाते। अच्छा, और इसके बाद फिर क्या बोलते, पूरे दिन भर यहाँ रहते हो? सारा दिन रहते हैं, इधर ही बैठे रहते हैं। दादा, जैसे सुबह सुबह 5 बजे जाते हो, उठते कितने बजे हो गए? 5 बजे जाते हैं। हाँ, क्या बजे उठते हो, क्या बजे उठाते हो? चार के पहले उठते। तो क्या बोलते, तैयार होके फिर जाते होगे? हाँ, है ना। 5 बजे निकल जाते, 5 बजे निकल जाते। तो वहाँ पे कहाँ, मतलब वहाँ पे मंडी में फिर वहाँ पे खरीदारी करते हो? तो मेहनत बहुत लगती होगी? हाँ, मेहनत लगती है साहब। गोली खाते हैं शाम को, हम गोली नहीं ले आए, हम गोली ले आए होते दवा बताते आपके लिए। रोज दवाई खाते हैं, जब नींद लगती है हम लोगों। ओहो, या कमर दर्द करती है, हाथ पांव दर्द करते हैं। आप देख सकते हो कि एक आम इंसान की क्या हालत है, जो बेचारा ये सुबह सुबह ये सब चीज़ें बेचता है ना, तो कैसे वो तकलीफ़ों का सामना करता है एक आम इंसान। और यहाँ पे मैं माताराम और यहाँ पे बुज़ुर्ग बाबूजी से मैंने बात किया, तो बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। सुबह 4 बजे से पहले उठना, फिर मंडी जाना, इसके बाद फिर सब चीज़ें खरीद के लाना और शाम रात तक बेचना, फिर घर जाना, और नींद नहीं आती, फिर गोली खाना पड़ता है इन लोगों को है ना। और मतलब कितना कमा लेते होगे दिन भर में? 150-200। तो सरकार जैसे है, सरकार बोलती है पेंशन दे रहे हैं, योजना दे रहे हैं, हमको नहीं मिलती साहब जी, हमको नहीं मिलती, कुछ नहीं मिले है। न राशन मिले है, अन्य से जो मिले हमको महीना मिले। तो जैसे अभी कई सारी जैसे यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं, योजनाएं निकाले हैं, हाँ, और बहुत सारी जो फैसिलिटीज वो दिए हैं, तो आप लोगों को उसका कुछ लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं देते, बोलते तो हैं मानो देते नहीं है। आपने कुछ वहाँ पे जैसे अपने पार्षद, क्षेत्रीय पार्षद कार्यालय, नगर निगम में कुछ अप्लाई किया है? हो आए साहब जी, नहीं बना पार्सल। हाँ, हम कई बनवाते हैं, नहीं बनवाए। हाँ, अरे कहाँ रहते हो आप? त्रिमूर्ति नगर में। वन डॉल में 5 किलो चावल डाली, 2 जनों को 1 पाव दाल लॉकडाउन में। हाँ, लॉकडाउन में। और 1 पैकेट तेल 1 पाव को हो जाए, जब दाओ तो लॉकडाउन लगो। 5 किलो चावल भर, 1 पाव दाल। तो क्या कहना चाहोगी सरकार से? और हम इतनी कल चाहते सरकार के हमारी अच्छी व्यवस्था महीना बन जाए, अच्छी व्यवस्था बनवा दो, हम गरीब आदमी आँखों में बनी दिखाए, ऑपरेशन होगा
हाँ। नहीं दिखता, ज्यादा नहीं दिखते, धुंधार धुंधार दिखा दे। अच्छा, देखिए ये बुजुर्ग दंपत्ति हैं और दोनों बेचारे सुबह से लेके शाम तक मेहनत करते हैं। सुबह 4 बजे से पहले उठते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। सरकार से अपील कर रहे हैं कि ऐसे छोटे छोटे जो वेंडर हैं रोड पे लगाने वाले जो बेचारे मेहनत करते हैं उनकी मदद करे, है ना, जिससे उनका जीवन यापन अच्छा हो सके। और ऐसे बुजुर्गों को देख के बड़ा दुख भी लगता है। सुबह सुबह से मैं भी, हाँ दादा बता रहे हैं, इसे चश्मा लगा के जाना पड़ता है रात में, क्योंकि रात में दिखता कम होगा ना दादा। अच्छा, और मैं आम जनता से भी अपील करूंगा कि ऐसे लोगों की सहायता ज़रूर करें। बड़ी बड़ी दुकान से ख़रीदने के बजाय है कि आप लोग छोटे छोटे दुकानों से ख़रीदें, उनसे सामान लेंगे तो उन लोगों का भी जीवन यापन अच्छा होगा। अगर ये चले दादा हैं, आओ बेटा, धन्यवाद, है ना, चलो ठीक है, चलिए हम मिलते हैं आपको अपने, चलो ठीक है ना, हम आप बहुत आशीर्वाद देंगा, जीवन भर याद करेगा, ठीक है, ठीक है ना। कमर दर्द है, हाथ पैरों की दवाई गोली खा रही हूँ बेटा, अच्छा खा रही, 600-700 रुपया लगा है दवाई, ये देखो चरम रोग है हाथों में। अच्छा, हाँ तो इसकी इलाज करवा रही हो, है ना, दवाई तो हो रही, तो अपन सरकार से भी अपील करेंगे कि ऐसे बुजुर्गों के लिए थोड़ा सा सहायता करें, क्योंकि ये बेचारे सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, है ना। चलिए।